हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है कांतारा के पार्ट टू के बारे में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा के अब दूसरे पार्ट पर हर किसी की नजर है। होम प्ले फिल्म के बैनर तले निर्देशक ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म को लेकर अभी तक कई बज बना हुआ है। वहीं दोस्तों उगादि के मौके पर मेकर्स ने ऐलान कर जानकारी दी थी कि कांतारा 2 की स्क्रिप्टिंग का काम शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि कांतारा 2 के इस फिल्म का सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल होगी, यानी फिल्म में दिखाई गई कहानी के पहले की कहानी दूसरे भाग में दिखाई जाने वाली है। इस फिल्म ने बीते साल पूरे देश में अपने नाम का डंका बजाया था। महज 20 करोड़ में बनी ही इस फिल्म ने पूरी दुनिया से लगभग 400 करोड़ रुपए की बंपर कमाई की थी। जी हां दोस्तों, अब जानकारी सामने आई है कि कांतारा 2 के लिए ऋषभ शेट्टी ने मोटी फीस की डिमांड की है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म के दूसरे भाग के लिए मेकर से पूरे 100 करोड़ रुपए की डिमांड की है। फिल्म के पहले पार्ट को महज कन्नड़ सिनेमाई दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिसके लिए बजट भी काफी सीमित रखा गया था। बावजूद इसके कांतारा की दिलचस्प कहानी ने देशभर के सभी दर्शकों का ध्यान खींच लिया, जिसकी वजह से फिल्म को बाद में दूसरी भाषाओं में भी डब कर रिलीज किया गया। इसके बाद ये फिल्म सभी राज्यों में ब्लॉकबस्टर साबित रही। लेकिन दोस्तों ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी ने मेकर्स को उस वक्त केवल और केवल 5 करोड़ रुपए बतौर फीस ली थी। वही ऋषभ शेट्टी ने कांतारा की राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग खुद की थी। अब सुनने में आया है कि कांतारा 2 को मेकर्स के बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी में इसे पैन इंडिया स्तर पर एक साथ ही रिलीज किया जाएगा। इसे पहले से भी ज्यादा विशाल बनाने की तैयारी में मेकर्स अब जुट चुके हैं, जिसके लिए एक्टर, डायरेक्टर और राइटर ऋषभ शेट्टी को पूरे 100 करोड़ रुपए बतौर फीस दी गई है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी तमाम नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।